ईशल के वलीमे का जोड़ा, बरी के कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मेकअप का सामान। एक सोने का सेट है मेरे पास, वो मैं अपनी तरफ से दे दूंगी मुंह दिखाई, और ये जुनेद की तरफ से एक अंगूठी ले लेंगे। अमित खाना लगा दो। हाँ लगा दो। क्या बनाया है सायरा? आलू गोभी। आज बना लिया, दोबारा मत बनाना। क्यों अम्मी, आपको तो बहुत पसंद है ना आलू गोभी। हाँ लेकिन अभी ईशल ब्याह के आ रही है इस घर में, उसे थोड़ी आदत ही है सारी चीजें खाने की। नहीं नहीं अमीब, जो सब खाएंगी ईशल भी वही खाएगी। क्यों भाई, मजबूरी में क्यों खाए वो? इतनी मुश्किल से रिश्ता हुआ है, ऊपर से मुश्किल से? हाँ ना, उन्होंने तो रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, और चाची ने ये तक कहा था कि मैं मरते दम तक ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगी। फिर हम उठ गए, लेकिन अम्मी ने चाची से कहा कि मैं जाने से पहले ईशल से मिलना चाहती हूँ। अम्मी ने जाके ईशल की आदत की, फिर उसकी मिन्नत समाजत की कि वो अपनी अम्मी को समझाए। अम्मी ने खुद जाके चाची की मिन्नत समाजत की, उनके आगे दामन फैलाया, तब जाके हुआ है रिश्ता। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब जो हालात चल रहे थे उसमें तो ऐसे ही होना था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या जरूरत थी उसके सामने ये सब कुछ बताने की है? अगर रुखसाना ने मिन्नत समाजत कर दी तो क्या हुआ? ऐसे ही होते हैं रिश्ते। और तुझे क्या फिक्र, तुझे क्या पता रिश्तों का, रिश्तेदारियों का? उसका सगा भाई होता ना, कभी ऐसे ना करता। पर है ना ले पालक,